आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विपक्षियों पर कसा तंज। बीजेपी को बताया सर्वजन हिताय पार्टी। गाजीपुर जिले के जिला पंचायत सभागार में यूपी के कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग संजय कुमार ने विभिन्न समाज के सभा में पत्रकारों से बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने मछुआ समाज के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी बगैर भेदभाव सभी जाति समुदाय का विकास कर रही है। संजय निषाद ने कहा, मछुआ समाज के विकास के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ की परियोजना शुरू की है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्मी कभी हाथी साइकिल पर नहीं आती, लक्ष्मी कमल पर आती है, कमल पानी में होता है। संजय निषाद ने कहा, सत्ता ही सुख समृद्धि दे सकती है और सत्ता ही समस्याओं का समाधान कर सकती है। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब में कहा कि पावर के नजदीक रहने पर ही अपने समाज का कुछ भला हो सकता है। हाथी पंजा साइकिल के पास नहीं है पावर, बीजेपी के पास पावर है। उन्होंने कहा, ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं, जय श्री राम और जय निषाद राज, राजभर भैया को बुला रहे हैं। गाजीपुर से हमारे ब्यूरो हेड शिवलोचन जी की ये रिपोर्ट। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी, योगी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मछुआ समुदाय का 70 साल से सभी पार्टियों ने वोट लिया, सबने इनका यूज किया, किसी ने इनको एक पैसे ही नहीं दिया था। धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने मत्स्य मंत्रालय दिल्ली में अलग किया। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति के नाम पर हमारे इस मछुआ समुदाय जल पर आश्रित लोगों को 20,000 करोड़ रुपए का अनुदान किया, 9,000 करोड़ का इनलैंड का और 11,000 कोस्टल मतलब समुद्री क्षेत्रों को। उसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से लगभग उत्तर प्रदेश में 25 परियोजनाएं ऐसी हैं जिसमें हम 60% सब्सिडी देकर इस मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हम ज्ञान भी दे रहे हैं अपने विभाग के द्वारा, अनुदान भी दे रहे हैं, थोड़ा सा उनका अंशदान ले रहे हैं। और पहले था कि जिसके पास खेती होगा, ताल होगा, नदी बड़ा सा पॉन्ड्स होगा, जलाशय होंगे, वही इस क्षेत्र में काम कर सकता है। लेकिन यह उत्तर प्रदेश में 250 करोड़ रुपए के लगभग अनुदान की व्यवस्था की गई है इस साल के, कि इनको ऋण लेकर ही हम व्यवसाय कर सकते हैं। क्योंकि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं इनके बताना चाहता हूँ कि जिंदा मछली का भी एक व्यापार करता है, तो 20 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है और उसकी एक्साइज है, उसमें हम 12 लाख रुपए उन्हें अनुदान दे रहे हैं। विथ आइस बॉक्स ये अपना टेम्पू ले सकता है। आप छोटे अपने गरीब आदमी अपने घर के पीछे भी 10x10 का एक टैंक खोल ले, 2.5 फीट का रेयरिंग करा सकता है कि 2 से 12 पैसे का बीज लेकर 100 से 150 दिन में वो 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के बढ़ा करके बेच सकता है। तो ऐसे में इनको एक कहना था, भाई लक्ष्मी हाथ और हाथी और साइकिल पर कभी दिखती नहीं है, लक्ष्मी हमेशा कमल पर दिखती है और कमल पानी में होता है। तो इसलिए मतलब असली लक्ष्मी पानी में, इनके पानी से दूर न हो। ये भगत इनके जल जंगल जमीन पर पिछली सरकारों ने नीतियाँ अंग्रेजों के तरह बना कर इन्हें छीन लिया था। मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उनकी एक सोच आई कि जब गांव में ताल, नदी और पोखरे जिंदा थे भरे, लोकसभा में भी हमारे इंजन के इंजीनियर पूर्ण निषाद जी हैं, विधान परिषद में डॉक्टर संजय खुद हैं और विधानसभा में हमारे 11 विधायक जाके वकालत कर रहे हैं। उसमें हमारे उस वकालत की देन है कि 18 जनवरी 2022 को पहली बार है 70 साल में कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया जो 1961 में हमारी गिनती केवट मल्लाह मझवार में की थी, तो उसने पहली बार माना कि केवट मल्लाह मझवार हैं, अनुसूचित जाति के हकदार हैं। उसने सामाजिक न्याय मंत्रालय को एक लेटर लिख दिया और उसमें कहा कि भाई नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय है और वो करेगा। उसको लेकर मैं गृह मंत्री से भी मिल चुका हूँ, गृह मंत्री ने आश्वस्त किया कि जैसे धारा 370 मैंने ख़त्म किया, मैंने राम मंदिर बनाया, वैसे आपके आने वाली पीढ़ी के आपके मछुआरों को जो भी वादा किया हूँ धीरे धीरे उसे भी पूरा किया जाएगा। और 70 साल से 70 गुना जो उलझाया था उसे सुलझाने में कामयाब हो गया और हम लोग निर्णायक दौर पर हैं। हमारा समाज हमें अगर अपना नेता माना है, इन्हें प्रमाणिक दस्तावेज देकर इन्हें आंदोलन करवाया, उन्हें लाया हो पार्टी में, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इनके बच्चों की, इनके भविष्य निर्माण के लिए। मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए इन्हें धन्यवाद और बधाई देना था। आगे 2024 की तैयारी के लिए इनको लाना था कि भाई देखो
हाथी साइकिल पंजा ने आपको कितना आपको बर्बाद किया हो, और कमल बटन दबाए हो, भोजन भरी थाली बाए हो, तो किस तरीके से पावर के नज़दीक आए हो, तो इनको यही बताने के लिए और कैडर और इनके इतिहास और इनको बताना था कि निषाद राज का किला जो है वो उपेक्षित था, उसे पर्यटक स्थल घोषित किया, उसे कई हज़ार करोड़ रुपया दिया, निषाद राव राम का गले लगे मूर्ति लग रही है, जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, रावण राज आया था, निषाद राज ने सेना देकर, उसी तरीके से भगवान जो है डॉक्टर संजय निषाद राज के वंशज के बेटे को अपने इस कैबिनेट में जगह दिया, और कैबिनेट में किस तरीके से इनके लिए न्याय और सुरक्षा के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ वो हम उनको धन्यवाद। आपके बड़े भाई और कमल बटन दबाए हो, भोजन भरी थाली बाए हो, तो किस तरीके से पावर के नज़दीक आए हो, तो इनको यही बताने के लिए और कैडर और इनके इतिहास और इनको बताना था कि निषाद राज का किला जो है वो उपेक्षित था, उसे पर्यटक स्थल घोषित किया, उसे कई हज़ार करोड़ रुपया दिया, निषाद राव राम का गले लगे मूर्ति लग रही है, जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, रावण राज आया था, निषाद राज ने सेना देकर, उसी तरीके से भगवान जो है डॉक्टर संजय निषाद राज के वंशज के बेटे को अपने इस कैबिनेट में जगह दिया, और कैबिनेट में किस तरीके से इनके लिए न्याय और सुरक्षा के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ वो हम उनको धन्यवाद। आपके बड़े भाई ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव ने तलाक दे दिया है, क्या कहेंगे? देखिए उसका जवाब वही दे सकते हैं, माननीय अखिलेश जी दे सकते हैं, माननीय राजभर, लेकिन बड़े भाई राजभर से मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि जय श्री राम और जय निषाद राज उन्हें बुला रहे हैं, हम तो उम्मीद रखते हैं राजभर भैया आ रहे हैं और आकर आपने उनको निकाला ही कब तक? नहीं नहीं देखिए हमेशा किसी नेता और किसी नेतृत्व नेता को या कोई भी समाज का अगुआ हो उसकी जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है कार्यकर्ताओं समाज के प्रति, तो बदलते हुए परिवेश में उसको अपने सिद्धांतों और अपने नीतियों में थोड़ा सा समझौता करके अपने समाज को न्याय और सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि सत्ता ही सुख दे सकती है, सत्ता ही समृद्धि दे सकती है, सत्ता ही सस्ते में समस्याओं का समाधान कर सकती है, और पावर के नज़दीक रहने पर ही अपने समाज को कुछ दिया जा सकता है, तो पावर तो हाथी साइकिल पंजा में है नहीं, कोसों दूर है, पावर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए हम स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों सही था तो फिर से इनके ताल अमृत सरोवर के माध्यम से खुद रहे हैं, और इनके जो ताल इनको अनुदान देकर ये अगर अपने खेतों में महिला के नाम से अपनी जमीन अपनी महिला को लाके किराए पर लेके 10,000 लेके रखते, मतलब हर क्षेत्रों में 25 प्रकार की योजनाएं हैं, किसी में भी ये शिक्षा होकर पहली तारीख से लेकर एक आवेदन लिए जा रहे हैं ऑनलाइन, और उसमें सरलीकरण कर दिया गया कि एक बैंक पासबुक अपना आधार कार्ड लगा दें और कौन सी परियोजना में लेना चाहते हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ जान लें और आसानी से उसमें करें, और हमारे विभाग के लोग जाएंगे, अगर इनके कुछ प्रपत्र कम भी हैं तो बाद में भी उसे जमा करा दिए जाएंगे, और जाएं और हमारे यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण भी विभागों में उनसे लिया जाएगा, और इससे एक तो इनको देखिएगा कि इनके लिए फ्री का बीमा है, पहले हमारे बिरादरी का आदमी कोई एक्सीडेंट होता था तो उसे नेता लोग या कोई उनसे शिक्षा कोई विधवा हो जाती थी उसे कोई सेवा कोई मदद नहीं कर पाता था, और मछुआ दुर्घटना बीमा के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री जी ने 5,00,000 रुपए उसकी कैजुअलिटी खुदा न खास्ता न हो लेकिन अगर हो जाता है तो उसके लिए नामनी को 5,00,000 दिए जाते हैं, अगर 100% प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री जी ने 5,00,000 रुपए उसकी कैजुअलिटी खुदा न खास्ता न हो लेकिन अगर हो जाता है तो उसके लिए नामनी को 5,00,000 दिए जाते हैं, अगर 100% डिसेबिलिटी अपंगता आ गई तो भी 5,00,000 रुपये देते हैं, पार्शियल अपंगता होने पर 2,50,000, अगर अस्पताल में चला गया तो हम 25,000 रुपये देते हैं। इनके यहाँ पहले था कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलता था ज़मीन के हिसाब से कि अपनी ज़मीन को वो जो है बैंक गारंटी रखे फिर उसे किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में उसे बैंक से कुछ मदद मिलेगी, लेकिन मछुआरों के लिए नहीं था। प्रधानमंत्री जी से RBI से मैंने अपील की कि मछुआ समुदाय को अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके सब छीन लिया, इनके पास ज़मीनें नहीं हैं कुछ नहीं है, तो उन्होंने धनबाद में RBI ने गाइडलाइन जारी किया कि किसी भी मछुआ समुदाय के पास अगर एक जाल भी है उसके घर में काम करने का, एक नाव अगर कहीं है या कोई भी इक्विपमेंट जो है पॉन्ड्स है कुछ भी है अगर मछली क्षेत्र में काम करने का, तो इसके लिए फिशरीज क्रेडिट कार्ड है उस बैंक से बिना किसी गारंटी के 10,000 से लेकर 1,60,000 इनको है। तो आज हमारे यहाँ विभागों में 7 अधिकारी कर्मचारी आधे से ज़्यादा रिटायर्ड हो गए, आधे भरे नहीं गए, उसके लिए प्रयास जारी है,
तो आज के दिन में हम इसको जागरूकता के क्रम में इन्हें बुलाया हूँ कि आज के दिन में भाई आप 3 साल से हमारे साथ, 2013 से हो, हम 2019 से भाजपा के साथ हैं। तो भाजपा ने बार बार हमारे विपक्षी जो हैं वो हमलावर होते रहते हैं, गांव में लोगों के दिमाग में जहर घोलते रहते हैं कि 3 साल में तुम्हें क्या मिला क्या मिला, तो इनसे बताना था ये क्या मिला है। इनके बीच में भी आज के दिन में बताना था कि इनका जो एक आरक्षण का मुद्दा है जिसके वजह से लोग यहाँ आंदोलन भी किए थे, उसमें जेल भी हुआ था, उसमें ढेर सारे इनकी समस्या मतलब इनको प्रताड़ित भी किए थे। तो कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं पुलिस में हो चाहे उसमें।